नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी हुई है। बाबा वेंगा 2023 के लिए भविष्यवाणी कर चुके हैं। उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए उन्हें जाना जाता है। छोटी उम्र से अंधी होने के बावजूद बुल्गेरिया मनोवैज्ञानिक बाबा वेंगा ने असाधारण मानसिक क्षमताओं का विकास किया, जिसने उन्हें दुनिया भर में ख्याति दिलाई है। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने दोस्तों 9/11 के आतंकवादी हमलों, फुकुशिमा परमाणु आपदा और दोस्तों ISIS के उदय सहित कई घटनाओं की सटीक दोस्तों भविष्यवाणी की है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें वर्ष 5087 में दुनिया के अंत का पूर्व आभास हो गया था। अब संभावित सौर तूफान के बारे में 2023 के लिए बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणियों में से अब एक सच साबित हो रही है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि सूर्य लगभग एक दशक तक चलने वाली सापेक्ष शांति की अवधि से उभर रहा है, जिससे पृथ्वी पर समस्या पैदा हो सकती है। सूर्य के सक्रिय चरण के दौरान निकलने वाली सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की वृद्धि को छोड़ती हैं, जो पावर ग्रिड और GPS सिग्नल सहित विभिन्न प्रणालियों को बाधित कर सकता है। सोलर मैक्सिमम के रूप में जाने वाले दोस्तों ये एपिसोड लगभग हर 11 साल में होते हैं और अतीत में कोई महत्वपूर्ण चिंता नहीं रही है। 1859 के कैरिंगटन घटना ने दिखा है कि एक सौर तूफान का पृथ्वी के तकनीकी बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी परिणाम हो सकता है। तब से प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता केवल बढ़ी है, जिससे हम इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। यदि 2023 में एक सौर तूफान पृथ्वी से टकराता है तो ये बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का कारण बन सकता है। पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो सकता है, कहीं पर इंटरनेट बंद होगा तो कहीं पर बिजली व्यवस्था ठप, GPS सिस्टम दोस्तों ठप हो जाएगा, मोबाइल काम करना दोस्तों बंद कर देंगे, रेडियो TV चैनल सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा। 5 भविष्यवाणी दोस्तों बाबा वेंगा ने की है। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, 2023 में पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन हो सकता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बलों के स्थानांतरण के कारण गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। दूसरा है एक जैविक हथियार अत्याचार। द ब्लाइंड साइकिक ने दोस्तों भविष्यवाणी की है कि एक बड़ा देश 2023 में जैव हथियार परीक्षण करेगा। एक संभावित प्रयोगशाला रिसाव का जोखिम और जैविक हथियार कन्वेंशन का उल्लंघन करेगा। भविष्यवाणी वर्तमान भू राजनीतिक संदर्भ के लिए प्रासंगिक लगती है। वहीं दोस्तों अगली है परमाणु संयंत्र में विस्फोट। उन्होंने एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट का पूर्व आभास किया, जिससे एशिया में जहरीले बादल छाएंगे जो अन्य देशों के अंदर भी फैलेंगे, जिससे गंभीर बीमारी फैलेंगी। वहीं दोस्तों अगली भविष्यवाणी है मानव शिशुओं को लेकर। प्रयोगशाला में दोस्तों अब बच्चों का जन्म होगा। उसके बाद दोस्तों बाबा वेंगा ने 2023 में एलियन आक्रमण की भविष्यवाणी भी की है। लेकिन आपको बता दें, इस समय भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विनाशकारी भूकंप से हाहाकार मच रहा है। हर दिन दोस्तों पृथ्वी पर भूकंप आ रहा है, कभी सौर तूफान आ रहा है, कभी उल्का पिंड आ रहा है। जब से 2023 लगा है, पृथ्वी पर भयंकर से अति भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। साल 2022 के अंदर ही बाबा वेंगा ने सौर तूफान की भविष्यवाणी कर दी थी। इस समय भी दोस्तों कई देशों के अंदर ब्लैकआउट है, कैलिफोर्निया के अंदर भी ब्लैकआउट है, न्यूजीलैंड के अंदर दोस्तों लाखों घरों के अंदर बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है और अब इनकी भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।